हम सभी की चाहत होती है हमारे बाल खूबसूरत हों, बालों का झड़ना बंद हो, बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो। आज आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक हेयर केयर की रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो आपके बालों को खूबसूरत बना देगी। बाल सिल्की शाइनी होंगे, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही कंट्रोल में आएगा। सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाली हूँ आज इस आसान सी रेमेडी में, जो कि आपके बालों की जड़ों को इतना सारा नरिशमेंट देगी, पोषण देगी, जिससे आपका बालों का टूटना रुकेगा, हेयर ग्रोथ होगी, कमज़ोर बालों को रिपेयर करेगी ये रेमेडी। क्योंकि इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर करी लीव्स, जिसे हम लोग कढ़ी पत्ता भी कहते हैं, इसे मीठा नीम भी कहा जाता है। करी लीव्स को खाना भी चाहिए, बालों पर लगाना भी चाहिए। 2 से 3 पत्तियों को रोज चबा चबा कर खाएं। देखिए कैसे नहीं बालों का झड़ना रुकता है। यहाँ पर कुछ पत्तियों को लिया है, अच्छी तरह से धो लें, धोने के बाद अच्छी तरह से इसे कूट लेना है, थोड़ा क्रश कर लेना है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जूस एक्सट्रैक्ट हो सके। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती कंपैरिजन ड्राई पत्तियों के या करी लीव्स के पाउडर के। फ्रेश पत्तियों का समय है, अभी तो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी करी लीव्स का पौधा पनपता है, आप भी घर पर जरूर लगाएं। रेनी सीजन में तो इसकी भरमार हो जाती है, इतनी तेज़ी से लगता है। रोज के खाने में इस्तेमाल करें। आप हरे धनिया की चटनी बनाते हैं ना, कुछ पत्तियों को डालकर चटनी पीसें, आप सब्ज़ी में डालें, बघार में डालें, किसी में भी रोज़ थोड़ा सा डालें, या 2-3 पत्तियों को कच्ची चबाकर खा लें आप। 10 दिन में फ़र्क महसूस होगा, बालों का झड़ना बंद होगा और आप देखेंगे दोस्तों कि आपके बालों की लंबाई बढ़ने लगी है, न्यू हेयर ग्रोथ होने लगी है। अगली चीज़ मेथी के बीज। मैं यहाँ पर सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ताकि आपको पहले बार में ही इसका रिज़ल्ट मिल सके। मेथी के बीज, चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हो, मेथी को लगाना स्टार्ट करें, बालों में जान आ जाएगी। अगली चीज़ यहाँ पर मेथी के साथ लेने वाली हूँ कुछ आंवले की फाँकें। आंवले को सुखाकर इस तरह से मैं साल भर स्टोर करती हूँ, नहीं तो आप बाज़ार वाला आंवले का पाउडर भी ले सकते हैं, दोनों में से जो ले लें, सूखे टुकड़े भी ले सकते हैं या पाउडर भी ले सकते हैं। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत बनाता है। इस मैजिकल हेयर ऑयल को बनाने के लिए 3 तरह के कोई भी तेल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल। जो भी तेल आप लोग इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, वीक में 2 बार तेल जरूर लगाएं। एक कटोरी ली है जिसमें मैंने 1 छोटा चम्मच आंवले का पाउडर, करी पत्ता है जिसे मैंने मोटा मोटा क्रश किया, आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत चिकना पीसा नहीं है ग्राइंडिंग जार में, बस मोटा मोटा सा कूट लिया है ताकि थोड़ा सा ये जूसी हो जाए, इसका जो इसकी जो गुडनेस है, इसका जो रस है वो निकल जाए। 1 चम्मच मेथी के बीज, आंवला पाउडर और करी लीव्स के बारीक कटे हुए टुकड़े डालें। अब इसमें डालना है 2 तरह के तेल। सरसों का तेल डालें, आप चाहें तो 8-10 चम्मच डाल सकते हैं, 2 चम्मच आप नारियल तेल भी मिला सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी है, ज़्यादा गर्मी का तेल तो नारियल तेल भी मैंने 2 चम्मच मिलाया है। धूप में रखा है इस कटोरी को, आज मैं दिन भर इसे धूप में रखूँगी और शाम को हेयर ऑयल बहुत अच्छे से आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ बालों पर। ये देखें, अब शाम होने आई है, धूप में कमी आ गई है और तेल मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है सन की हीट के द्वारा। सारी चीज़ों का इन्फ्यूज़न इस ऑयल में हो गया है, जो कि आपके बालों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है, आपके स्कैल्प को मजबूत बनाएगा। जिन लोगों को टाइम नहीं है, जो वर्किंग है, बिल्कुल वक्त नहीं है, हम धूप में नहीं रख सकते, हम शाम के समय इसे नहीं उठा सकते, वे लोग क्या करेंगे, गैस पर रखें इस कटोरी को, हल्का सा गर्म कर लें, उबालना नहीं है, बस हल्का गर्म कर लीजिए आप और इसी गर्माहट में पड़े रहने दीजिए, तेल को हटा दीजिए गैस के पास से और पड़े रहने दीजिए 2-3 घंटे, शाम के समय आकर ऑफिस से आके फिर तेल लगाएं। नहीं टाइम है कटोरी में गर्म करने का तो हल्का सा गुनगुना करके शीशी में भरकर रख दें। जब भी तेल लगाना है 2 चम्मच तेल को एक अलग कटोरी में निकालें और फिर ऑयल लगाएं। ये नहीं कि तेल लगाया और तुरंत नहाने चले गए, शैम्पू कर लिया, बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तेल को रात भर लगा कर रखें, तेल शाम के समय ऑफिस से आने के बाद या जब भी टाइम है आप लगाएं, रात भर लगाएं, सुबह हेयर वॉश करें। अगर आप चाहें तो इस तेल को 2-3 दिन भी लगा कर रख सकते हैं, मैं खुद भी लगाती हूँ दोस्तों और मेरे जो बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे ना, बहुत कुछ झड़ना मेरे बालों का रुक गया है। खैर मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं चाहूँगी मेरे बाल कमर तक हो जाएं, तो नहीं हो सकते, एजिंग के प्रोसेस को हम नहीं रोक सकते। मैं खुद 58 ईयर की हूँ, इस उम्र में अब मेरे बाल कमर तक नहीं हो सकते, बल्कि कुछ कुछ बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उन्हें मैं थोड़ा सफ़ेद होने से डिले कर सकती हूँ पर रोक नहीं सकती।
आप लोगों की उम्र कम है, आप 20-25 साल के हैं, 30 साल के, और अभी से हेयर फॉल हो रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इस तेल को लगाना स्टार्ट करें। इसमें मैंने सारे नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया और नेचुरल तरीके से इस तेल को बनाया है। मैंने इसे उबाला नहीं है, गर्म करके छोड़ दिया था, पड़े रहने दीजिए, धूप में रखिए, जैसा आप कंफर्टेबल है। नहीं है, शीशी में सारी चीज़ों को डाल दीजिए और 2 दिन के लिए शीशी में करी लीव्स के पत्तों को, मेथी को, आंवला पाउडर को पड़े रहने दीजिए। आंवला आपके स्कैल्प की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, डेंड्रफ की समस्या को दूर करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। पुराने समय से ही बालों को काला घना करने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं जो बालों को काला करते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करते हैं। करी लीव्स में कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं, जो कि हमारे कमज़ोर बालों को मजबूत बनाते हैं, नए बालों को उगाने में मदद करती हैं। करी लीव्स का तेल लगाने से 2 मुहे बाल की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा फेनुग्रिक सीड प्रोटीन होता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, मेथी का तेल, विटामिन सी होता है, निकोटेनिक एसिड होता है, ढेर सारे पोटेशियम होता है, इसलिए हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। इस तेल को लगाएंगे तो एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे, उम्र से पहले बाल सफ़ेद नहीं होंगे। देखिए मेरी बेटी कितने अच्छे से तेल को लगा रही है, हल्का हल्का सा, उसे भी छुट्टी के दिन टाइम मिलता है, 2 दिन की छुट्टियों में ही तेल, दो वीक में 2 बार तेल तो लगाना ही लगाना है आपको, और 2 बार आपको हेयर वॉश करना ही करना है। आप चाहें तो दूसरे दिन सुबह शैम्पू कर सकते हैं, हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी को तेल लगाना पसंद नहीं है, सबको बालों में वॉल्यूम चाहिए। इसीलिए तो आजकल बाल झड़ने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और सफ़ेद होने की समस्या, हमने तो खुद ने अपनी दादी नानी को देखा है, 70-80 के साल की उम्र में उनके बाल सफ़ेद हुआ करते थे दोस्तों, 70 के बाद। मेरे खुद के आज मैं 60 को छूने आई हूँ और मेरे अभी 8-10 बाल ही सफ़ेद होना शुरू हुए, 8-10 बाल दोस्तों। तो बालों का ध्यान रखिए, केमिकल की चीज़ों से अपने बालों को बचाएं, बालों की पूरी लंबाई पर तेल लगाएं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लगाकर बताया है। थोड़ा थोड़ा सा तेल उंगलियों में लेते जाएं, पूरी लंबाई में, बालों के एंड में, बालों के छोर में तेल ज़रूर लगाएं आप, ताकि नीचे से बाल रूखे सूखे ना होने पाए। तेल लगाने के बाद आगे माथे के पास जो हमारे बेबी हेयर होते हैं ना, अलग से उंगलियों में तेल लीजिए और वहाँ पर ज़रूर लगाएं, ताकि वहाँ पर न्यू हेयर ग्रोथ हो, नहीं तो बहुत जल्दी ही गंजापन आने लगता है यदि आप वहाँ तेल नहीं लगाएंगे। आप 10 दिन लगातार तेल लगा के देखें इस छोटे छोटे बालों पर, देखेंगे उनकी लंबाई बढ़ेगी और बालों में घनापन आएगा। ऑयलिंग करने के बाद बालों को हमेशा मोटे दांत की कंघी से सुलझाना है, कभी भी बारीक कंघी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम तेल लगाते हैं हमारे बाल थोड़े से आपस में उलझ जाते हैं, तो बालों को डिटेंगल करने मोटे दांत की कंघी का इस्तेमाल करें। रात को सोते समय अपने बालों को बांधें, अगर बहुत लंबे बाल हैं चोटी जरूर, छोटे बाल हैं तो भी आप थोड़ी ढीली ढीली सी चोटी जरूर करें, ताकि रात भर में बाल उलझने ना पाएं। और कोई भी स्क्रंची होता है दोस्तों, स्क्रंची बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाल नहीं टूटते हैं और अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, और स्क्रंची लगा लें आप, ढीली चोटी करें, सुबह शैम्पू कर लें, केयर करके देखें, 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो मेरी फैमिली को वीडियो कैसा लगा, मैंने अपने परिवार की बालों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या दूर की होगी, तो वीडियो को लाइक करें, टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।